नमस्कार, क्विक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप अपने फेसबुक पर प्रोफाइल फ़ोटो को लगा रहे हैं या चेंज कर रहे हैं या उसको आप डिलीट कर रहे हैं लेकिन आपके फेसबुक पर प्रोफाइल फ़ोटो नहीं लग रहा है, नहीं चेंज हो रहा है या डिलीट नहीं हो रहा है, तो उस प्रॉब्लम को आप ठीक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में मोबाइल के डिस्प्ले को ऊपर से नीचे की ओर डाउन करना है और आपको एक बार एरोप्लेन मोड को ऑन करना है और यहां से आपको ऑफ़ कर देना है और उसके बाद यहां से आपको यह चेक कर लेना है कि आपके फ़ोन में मोबाइल डाटा ऑन है कि नहीं। अगर आपके फ़ोन में मोबाइल डाटा ऑन है और ऊपर में आपको यहाँ से नेट कनेक्शन ऑन दिखा रहा है तो आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको कट करना है और अपने फ़ोन में आपको फेसबुक को ओपन करना है। ओपन करने के बाद ऊपर में आपको एक थ्री लाइन का ऑप्शन दिखेगा या आपको प्रोफाइल आइकन का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपने फेसबुक का प्रोफाइल दिख जाएगा, तो आपको यहाँ पे जाना है। अब आपको यहाँ पे फेसबुक पर जो काम कर रहे थे उसको करके देखना है, जैसे कि प्रोफाइल फ़ोटो को लगा रहे थे तो यहाँ पर आपको लगा कर देखना है, चेंज कर रहे थे तो यहाँ पर आपको चेंज करके देखना है, अगर डिलीट कर रहे थे तो आपको डिलीट करके देखना है। तो चलिए, यहाँ पर हम प्रोफाइल फ़ोटो को लगाना चाहते थे तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम सिलेक्ट प्रोफाइल फ़ोटो पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम किसी भी एक प्रोफाइल फ़ोटो को सिलेक्ट करते हैं। तो चलिए इस प्रोफाइल फ़ोटो को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इस फ़ोटो को हम एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद यहाँ से इसको हम डन करते हैं। डन करने के बाद अब इसको हम क्या करते हैं कि सेव पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा प्रोफाइल फ़ोटो लग गया है, लेकिन आपके फेसबुक पर इतना से भी आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ है तो आपको यहां से कट करना है। और आपको क्या करना है कि फेसबुक पर थोड़ा देर उंगली दबा के रखना है, लॉन्ग प्रेस करना है और ऊपर में आपको एक कैफ इन्फो का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहां पे क्लिक करना है और नीचे में आपको एक स्टोरेज यूजेज का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक कैश डाटा का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ से आपको क्लियर कर देना है। यहाँ से आपको क्लियर डाटा नहीं करना है, नहीं तो आपका फेसबुक से आपका अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा, तो फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आपको पासवर्ड याद है, फिर से लॉगिन करना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको क्लियर डाटा कर लेना है और यहाँ से आपको बैक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक डाटा यूजेज का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आपको यहाँ से यह चेक कर लेना है कि आपके फ़ोन में डिसेबल मोबाइल डाटा और डिसेबल वाईफाई, यह जो दोनों ऑप्शन है, यह आपके फ़ोन में ऑफ है कि नहीं। अगर ऑफ नहीं है तो यहाँ से आपको बैक करना है और आपको यहाँ से सारी चीज़ को रिसेंट से हटा देना है। हटाने के बाद आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है और आपको सर्च बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको फेसबुक को सर्च करना है। अगर आपके फ़ोन में फेसबुक का अपडेट आया हुआ है तो आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको फेसबुक को अपडेट कर देना है और यहाँ से आपको कट करना है और फिर से आपको अपने फ़ोन में फेसबुक को ओपन करना है और क्या करना है कि आपको वहाँ पर जो भी प्रोफाइल फ़ोटो को लगा रहे थे, सेट कर रहे थे या उसको आप चेंज कर रहे थे, तो वहाँ से करके देखना है, आपका जो प्रॉब्लम है वो 100% ठीक हो जाएगा। धन्यवाद।